आज से मेरे सारे सुख तुम्हारे और तुम्हारी सारी पीड़ा मेरी। पुत्री अब गृह प्रवेश करो। अमिता दीदी, कदाचित आप प्रथम माता हैं जो अपनी पुत्री के गृह प्रवेश को देख रही हैं। आइए। देखते हैं कौन ये अंगूठी खोज पाता है। जो पहली खोजेगा गृहस्थ जीवन में वही निर्णायक होगा। फिर तो मेरी पुत्री यशोधरा ही जीतेगी। नहीं नहीं महादेवी, सिद्धार्थ ही जीतेगा। अच्छा। भैया मैं आपकी सहायता करूं? अरे अरे अरे, इतनी आतुरता छोटे युवराज, अवसर तो आपका भी आएगा। लो, मेरी पुत्री यश जीत गई। वो तो सिद्धार्थ जानबूझकर हार गया। क्यों युवराज? अर्थात अब यशोधरा के आगे तुम्हारी नहीं चलेगी सिद्धार्थ। चलो अच्छा है, अब मैं प्रश्न पूछता रहूंगा और यशोधरा उत्तर खोजती रहेगी। यशो, तुम भी तो कुछ कहो ना। इनकी चलेगी ना मेरी चलेगी, अब हमारे बीच सिर्फ इसने की चलेगी। आज आपके नगर वधु की परीक्षा है, देखते हैं गरजते बादल आज बरसते हैं या नहीं। लगता है आपने अम्रपाली को देखा नहीं, अन्यथा आप अग्नि परीक्षा ना करते। युवराज, वैशाली की नगर वधु अम्रपाली की ओर से प्रणाम स्वीकारे, और आपकी विवाह की खुशी में मेरी ओर से नृत्य की भेंट स्वीकारे। अद्भुत है सारूप, ये तो स्वर्ग की अप्सरा है। अम्रपाली,
की दिखा किस यार को अद्भुत ऐसा नृत्य मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। वाह अद्भुत अति आकर्षणीय। इसे भेंट समझकर स्वीकार कीजिए लावण्य अमरपाली। अपने इस अवसर पर आकर अपने नृत्य से सबका मन मोह लिया। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती देवी? क्योंकि मैं आपसे कुछ और भेंट चाहती हूँ। क्या? इस हार के बदले मुझे एकांत में आप कुछ घड़ियां दे दें तो? हाँ हाँ क्यों नहीं, अवश्य हमें खुशी होगी। देवी कब मिलना चाहेंगे आप? धृष्टता ना हो तो इसी वक्त एकांत में। अवश्य। लावण्य आम्रपाली से एकांत मंत्रणा की व्यवस्था की जाएगी, जहां केवल आप रहें और मैं, दूजा कोई नहीं। परंतु एक प्रश्न है, मेरे मैं अकेला नहीं, मैं और गोपा मिलकर मैं बनते हैं। मैं इसका और ये मेरी अर्धांग है। इतना प्रेम? हाँ, सारे जग में प्रेम बढ़ना चाहिए और आरंभ अपनों से होना चाहिए। यदि आप प्रेम की भावना समझती हैं तो कृपया इस माला को स्वीकार करें। आपकी कला अतुलनीय है लावण्य आम्रपाली। कब से देख रही हूँ, आज हमारी लावण्या का मन कहीं और ही भटक रहा है। मुझे राजकुमारी यशोदरा से ईर्ष्या हो रही है। युवराज सिद्धार्थ उनसे कितना प्रेम करते हैं। परंतु ईर्ष्या कैसी देवी, आप क्या किसी राजकुमारी से कम हो? संपूर्ण संसार के राजा और राजकुमार आपके एक दृष्टि के लिए तरसते हैं, क्या ये प्रेम नहीं है? नहीं उषा, वो केवल वासना है। उनमें से ऐसा कोई नहीं जिसकी दृष्टि के लिए मैं तरसूं। सभागृह में सभी राजाओं की दृष्टि मेरे शरीर पर सांप की तरह रेंग रही थी, और सिद्धार्थ की दृष्टि में मैं जैसे उपस्थित ही नहीं। मेरे कितने प्रयत्न करने के बाद भी वो मोहित नहीं हुआ।
मुनियों की भांति देखता रहा। इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं। आप सिद्धार्थ मोहित ना हुआ तो ना सही, पर मगध नरेश बिंबिसार तुम्हारे अधीन है। अपनी जीत की घोषणा करने आए महाराज बिंबिसार? नहीं, तुम्हारे पराजय का भागीदार बनने आया हूं। चाहे तुम शर्त भले ही हार गई हो देवी, पर आज से तुम हमारे मगध की सीमा वाले श्रृंगार महल की रानी हो। अर्थात एक और राजा मोहपाश में बन गया, और मोह के वृक्ष पर ही प्रेम के फूल खिलते हैं आम्रपाली। युवराज, आज आपने इस नीरू का सपना तोड़ दिया। मैंने? और नहीं तो क्या, आज अपने सभागृह में लावण्य आम्रपाली के आमंत्रण को ठुकरा दिया। अब मैं यशोधरा की सौत कैसे बनूंगी? नीरू, अब तू एक शब्द नहीं बोलेगी। अरे चलो सभी यहाँ से, रात्रि का दूसरा पहर जो हो चुका है। नंद, आप भी चलिए। नहीं, मैं यही रहूंगा ज्येष्ठ के साथ। अच्छे बच्चे हद नहीं करते। और फिर महादेवी आपकी प्रतीक्षा जो कर रही है, ले जाओ इसे। चलिए नंद, हम भी चले। आओ। तुम्हारी सहेलियां तुमसे बहुत स्नेह करती हैं। हाँ, जितना चन्ना आपसे करता है। एक प्रश्न पूछूं? मना करूंगी तो मानोगे? नहीं ना। तुम मुझसे विवाह करके खुश तो होना गोपा। ये कैसा प्रश्न है जिसके साथ रहने को हर घड़ी मन उत्सुक हो, रात दिन जिसके विचार स्वयं के बारे में भी सोचने ना दे, जहां देखो सिर्फ वही दिखाई दे, सारा राज जिससे स्नेह करता हो और वो तुमसे स्नेह करता हो, तो ऐसे मनुष्य के साथ विवाह करके कोई क्यों खुश ना होगा युवराज?
किसी को मत बुला। पर ये बिच्छू इस समय इस बात का पहला पूरे महल में कलेश फैला देगा। चन्ना यही है, मैं उसे बुला लेता हूँ, वो इन्हें दूर कर देगा। चन्ना यहाँ कोई है जो विष फैला रहा है? आज सुबह वरमाला में बिच्छू निकला तो सोचा योगा नहीं योग होगा, पर यहाँ पर इस तरह इन बिच्छुओं को रखना, ये एक षड्यंत्र है युवराज। इस महल में कोई है जो हमारे विवाह से खुश नहीं है, कोई है जो हमें साथ नहीं देख सकता। नहीं गोपा, इस महल में हमारा कोई विरोधी नहीं, सब हमारे स्नेही हैं। आगे युवराज। चन्ना इन बिच्छुओं को बाहर फेंक दो। इन्हें मारना मत चन्ना, इन्हें बाहर जीवित झाड़ियों में छोड़ो। संभाल के अब कोई भय नहीं, अब मैं इस खंड में नहीं रह सकती, मैं यहाँ नहीं सो सकती। लेकिन गोपा इस समय हम जाएंगे कहाँ? यदि महल में भी कहीं गए तो सब हमसे प्रश्न करेंगे। आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं? कहो चन्ना। मैंने आप दोनों के लिए कुछ सोचा था, इस संयोग से ही अवसर मिला है, क्या आप दोनों मेरे साथ चलेंगे? मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं रथ जोड़ कर आता हूं। तुमने सबको बताने से मना क्यों किया? गोपा इतनी सी बात के लिए सबको? इतनी सी बात? यदि हमें कुछ हो जाता तो? पर कुछ हुआ तो नहीं ना गोपा, भय से अधिक भय की कल्पना मनुष्य को पीड़ा देती है, तो क्यों ना हम भय से मुक्त हो जाएं? चलो हम इस महल से भाग चलते हैं। कुमार देवदत्त, पदराय उठाने से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे कार्निक, क्या कार्य सौंपा था तुझे? राजकुमारी यशोधरा का आपा है। और तू किसे लेके आया? वो मुझे मुझे पता नहीं था कुमार देवदत्त की राजकुमारी की जगह तालाब के पास वो कोई और लड़की बैठी होगी। और मैं भी नहीं जानता कि इस पोटली में मुद्राओं की जगह और क्या है। मैं आपके सारे कार्य कर दूंगा कुमार देवदत्त। तू वर्षा ऋतु के जाने के पश्चात खेत को जोतेगा? हाँ, क्या कहा था तूने कार्निक कि धन के लिए तो तू अपने प्राण भी ले सकता है, यही कहा था ना तूने? कार्निक ये ले धन और ले ले अपने प्राण, ले कार्निक धन और ले अपने प्राण, ले धन और अपने प्राण, ले कार्निक, ले कार्निक ले, अन्यथा मुझे लेने दे। तेरे कारण कार्निक, तेरे कारण यशोधरा सिद्धार्थ की हो गई, तेरे कारण मेरी पराजय हुई कार्निक, तेरे कारण देवदत्त की पराजय हुई कार्निक।
तेरे कारण यशोधरा आज तुम्हारी बांसुरी का हर सुर यह कह रहा है कि तुम अत्यंत प्रसन्न हो। और आज आप भी बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं देव। हाँ, समय कैसे करवट बदल लेता है। लग रहा है कली की बात है। सिद्धार्थ सो रहा था तुम्हारी गोद में और तुम बांसुरी बजा रहे। आज नंद सो रहा है और तुम। सिद्धार्थ का विवाह हो गया। हाँ देवी, मुझे भय था कहीं हमारा तपस्वी विवाह से मुंह न फिर बैठे, परंतु मुझे गोपा पर पूर्ण विश्वास था। सत्य कह रही हो तुम। यशोधरा के रहते सिद्धार्थ वैरागी बन ही नहीं सकता। वो उसे गृहस्थी से बांध के रखेगी। असित मुनि की भविष्यवाणी अब झूठी प्रमाणित होगी। लगता है जीवन का एक पर्व जैसे पूर्ण हो गया है। अब शीघ्र ही यह मुकुट में सिद्धार्थ के सर पर रख के राजनीति से सन्यास ले लूंगा। अर्थात अब पुत्र की जगह पिता सन्यासी होंगे। हाँ। तो अब ये आंखें उस दिन की प्रतीक्षा करेंगी कि कब सिद्धार्थ का राज्याभिषेक हो और कब वो सम्राट बने। आने को तो वो दिन कल भी आ सकता है। अवरोध केवल इतना है कि सिद्धार्थ को शाक्य संघ का विश्वास अर्जित करना होगा, उनके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना होगा। हमें कहाँ ले जा रहे हो चन्ना? ऐसी जगह जो युवराज को बचपन से बहुत पसंद है। कहाँ? बोलो तो मानू। किसी पहाड़ी पर? ना। तो किसी गुफा में? ना। तो तालाब के किनारे। कृपया ये भेंट स्वीकार करें युवराज। तुम्हारे इस उपहार के अमृत बिच्छू का विष बुला दिया चन्ना। तुम्हारी ये भेंट हमें सदा याद रहेगी। अब आप विश्राम कीजिए युवराज, मैं प्रातःकाल आपको लेने आऊंगा।
अरे ये क्या कर रही हो गोपा? कर्तव्य निभा रही हूँ। अब तक आप मेरे मित्र थे, अब पति हो। तो क्या पति मित्र नहीं हो सकता गोपा? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? यदि पति पत्नी दोनों एक दूसरे को पूर्ण रूप से जाने तो। तो क्या हम एक दूसरे को पूर्ण रूप से नहीं जानते? जानते हैं, पर उस एक घड़ी के लिए मैं अनजान बन गई थी। कब? जब आपने आम्रपाली की एकांत में मिलने की इच्छा को स्वीकृति दी। वो उसकी कला का उपहार था गोपा। उस घड़ी मेरा आप पर संदेह करना अशोभनीय था। वो तुम्हारे प्रेम की तीव्रता थी गोपा। पर जब आपने ये कहा कि मैं गोपा भी है, तब मैं स्वयं अपनी दृष्टि में ऊंची हो गई आर्य। कदाचित तुम भूल गई होंगी कि तुमने मुझे 7 जन्मों के लिए बांध लिया है। क्या सचमुच 7 जन्म होते हैं? कदाचित, गुणेजन तो ऐसा ही कहते हैं। उसके बाद? उसके बाद क्या गोपा? उसके बाद क्या होगा ये नहीं जानती, पर 7 घड़ी बाद क्या होगा ये जानती हूं। चन्ना प्रणाम। मजली राजा, ये रथ किसके लिए सजा रहे हैं? युवराज के लिए मजली राजा। विवाह के पश्चात देवी यशोधरा के साथ उनका नगर भ्रमण जो है। हाँ, नगर भ्रमण तो फिर सारे नगर को उनके पराक्रम की स्मृति भी तो रहनी चाहिए। मैं समझा नहीं मजली राजा। अरे, युवराज ने अश्वमेघ के अश्व को पकड़कर कौशल नरेश को पराजित किया कि नहीं? जी। तो फिर कंठक के साथ उसी अश्वमेघ के अश्व को बांधना चाहिए या नहीं, जिससे युवराज की कीर्ति सारा शाक्य राज्य भी देखे। क्या आपने खूब कहा मजे राजा, मैं शीघ्र ही अश्वमेघ का अश्व युवराज के रथ से जोड़ देता हूं। शाक्यों के अश्व के साथ कौशल के अश्व को जोड़ प्रसन्न जीत के अपमान को जोड़ दिया है भगवान। प्रसन्न जीत का प्रसन्न रहना संभव ही नहीं। बड़ी मित्रता की मोहर लगाने चले थे युवराज से। ये किस लिए? ये हमारी अति प्रिय अंगूठी है,
इसे आप अपने पास रखिए, हमारी मित्रता का चिन्ह। मित्रता? परंतु आप तो मुझसे आयु में बहुत बड़े हैं मगध नरेश। हाँ, पर तुम विचारों में सारे भारतवर्ष के राजाओं से बड़े हो, और मेरी मित्रता तुम्हारे विचारों से है। इतने वर्षों में मैं राजनीति को सोमरस की तरफ पी चुका हूं, किंतु तुम्हारी नीति ने मुझे चकित कर दिया। जब मैंने सुना कि तुमने प्रसन्न जी जैसे विक्रमी सम्राट को युद्ध में पराजित कर दिया, तो मुझे आश्चर्य हुआ। किंतु उससे भी अधिक अचरज मुझे तब हुआ जब मैंने ये सुना कि तुम युद्ध को रोकना चाहते थे, और तुमने युद्ध को रोक भी दिया। शत्रु से सारे हथियार भी ले लिए और शत्रु को अपना मित्र भी बना लिया। वाह! तो इसका श्रेय प्रसन्नजीत को भी देना चाहिए। उन्होंने भी अपनी दूरदृष्टि दिखाते हुए युद्ध विराम को सम्मति दी, अन्यथा और अधिक प्राण जा सकते थे। किंतु इससे भी अधिक शोचनीय बात हमने कल देखी। वैशाली की नगर वधु सौंदर्य सम्राज्ञी आम्रपाली खुली बाहों से तुम्हारा स्वागत करने हेतु आतुर थी, किंतु उसके मोहपाश में बदना तो दूर वो तुम्हें क्षणिक भर आकर्षित भी ना कर सके। इस आयु में इतना संयम जो पहले से किसी और के वश में हो वो दूसरों के वश में नहीं आता। सच्चे प्रेम के सामने क्षणिक आकर्षण सूर्य के सामने बादल के समान होता है महाराज, जो अधिक समय तक नहीं टिकता। युवराज, अजात शत्रु की जगह यदि तुम हमारे पुत्र होते। ये आपका बड़ापन है महाराज। युवराज, जीवन में जब कभी भी सहायता की आवश्यकता पड़े, निसंकोच इस मगध नरेश को स्मरण कर लेना। शताय शुभ। तुम यहां क्यों आए मां? ये पेड़ देख रही है? ये महामाया है। महामाया? महामाया मेरी बड़ी भगिनी, तुम्हारी बड़ी बुआ, महाराज शुद्धोधन की पहली पत्नी और सिद्धार्थ की जन्मदायत्री, इसे प्रणाम करो। दीदी, ये यशोधरा है, तुम्हारे सिद्धार्थ की पत्नी। युवराज ने मुझे ये बात कभी नहीं बताई। क्योंकि वो स्वयं भी ये बात नहीं जानता। वो तो केवल ये जानता है कि मैं ही उसकी मां। क्यों छिपाया आपने मां? क्योंकि महाराज नहीं चाहते थे। ऐसा क्या कारण था? असित मुनि की भविष्यवाणी। चाहे लाख जतन कर ले राजन, तेरा पुत्र सन्यासी ही बनेगा। उन्होंने कहा था कि सिद्धार्थ सन्यासी बनेगा, किंतु महाराज उसे सम्राट बनाना चाहते थे।
हमने उसे हर दुख से दूर रखा और ये बात भी छुपाई ताकि उसे दुख ना हो। तो आपने मुझे क्यों बताई? क्योंकि हमारे पश्चात उसका उत्तरदायित्व तुझ पर है यशोधरा। पर कभी ये भेद खुल गया तो यही भय तो हर सांस के साथ जीता है यशो। महादेवी, नगर भ्रमण की सभी तैयारियां हो चुकी हैं। अरे कौशल नरेश, आप खाली हाथ खड़े? ये ले, इन फूलों को बरसाकर आप भी युवराज सिद्धार्थ और यशोधरा को अपना आशीर्वाद दीजिए। युवराज सिद्धार्थ की जय। युवराज सिद्धार्थ की जय। राजकुमारी यशोधरा की जय। राजकुमारी यशोधरा की जय। युवराज सिद्धार्थ की जय। युवराज सिद्धार्थ की जय। राजा द्रोणोदन, लगता है युवराज कपिल वस्तु के लोगों में अति प्रिय हैं, आपसे भी अधिक। सत्य कहा आपने, लोगों में विजेता ही पूजा जाता है, पराजित को तो कोना ही मिलता है। अरे देखिए कौशल नरेश, देख युवराज के रथ को तो देख। आपने अपनी और युवराज की मित्रता की घनिष्ठता देखी? एक और उनका प्रिय अश्वकंठ और दूसरी ओर आपके यज्ञ का अश्व। राजकुमारी यशोधरा की जय। और कोई आवश्यकता हो तो वरण कीजिए। प्रणाम। शाक्यों की कूटनीति देखिए महाराज, आपको अपमानित करने हमारे अश्वमेघ के अश्व को अपने रथ से बांधकर हमें यह जताया जा रहा कि हमारे अश्वमेघ का अश्व अब उनके काबू में, आप पराजित हो और वो विजेता। नहीं, ये बात नहीं हो सकती। यही बात है महाराज, विवाह मंडप में मैंने स्वयं महाराज शुद्धोधन को दूसरे शाक्य राजाओं से कहते सुना। हमने उसे विवाह का आमंत्रण दिया, परंतु उस आमंत्रण को स्वीकार कर लाचार होकर प्रसन्नजीत को कपिलवस्तु आना। आपने हमारा दिया हुआ सम्मान देखा, परंतु होने वाला अपमान नहीं देखा। यदि ये बात सत्य है कि आप हमारे मित्र, तो हमारे साथ द्वार पर खड़े हो, हमारे अतिथियों का स्वागत इन फूलों से कीजिए। प्लीज मित्रता की आड़ में इन्होंने मेरी पीठ पर वार किया है, अब इस अपमान का बदला तो शाक्यों को चुकाना ही है। अब हम घड़ी भर भी यहां नहीं रुक सकते, हम शीघ्र ही प्रस्थान करेंगे।